Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6 social science. Name of our chapter is The Key Elements of a Democratic Government. एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ा, जहां पर विभिन्न जो धर्मों के लोग थे, विभिन्न प्रजातियों के लोग थे, उनके साथ भेदभाव होता था। वहां पर अंग्रेजों की सरकार थी और वो अपने आप को व्हाइट बोलते थे, दूसरे लोगों को ब्लैक बोलते थे, और जो ब्लैक लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था। आखिर 1994 में वो देश आजाद हुआ और उस देश का अपना संविधान बना और वहां पर सभी धर्मों के लोगों को, यानी कि सभी प्रजातियों के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को बराबर के अधिकार मिले। हमने इस लेसन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट था अपार्थेड, मीन्स रंग भेद, जो रंग के आधार पर भेदभाव होता था उसके बारे में पढ़ा। पार्टिसिपेशन, सरकार में भागीदारी कैसे होती है, लोकतंत्र में हम कैसे सरकार चुनते हैं, हम वोट देते हैं, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इस तरह से। दूसरा एक थर्ड पॉइंट था अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, के हमने वोट दे दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम और भी तरीके से सरकार में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करके, सरकार की नीतियों का पक्ष लेकर, इन सब तरह से भी हम अपनी भागीदारी शो करते हैं। एक हमारा पॉइंट था कि सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश में अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी मामला होता है, कोई भी झगड़ा होता है कहीं पर, तो सरकार उस झगड़े को निपटाएगी और अपनी भूमिका अदा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस, बराबरी और न्याय। बराबरी और न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। अगर बराबरी होगी सबकी तो सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा इट मीन्स सब लोग बराबर हैं। मीन्स दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस, दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि जो अस्पृश्यता का कानून था वो हमारे देश के संविधान में लागू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को पूजा घर में नहीं जाने दिया जाता था, कुछ लोगों को दूसरों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, यात्राएं नहीं करने दी जाती दूसरे लोगों के साथ में, हमारे देश में भी ऐसा था। तो ये जो अनटचेबिलिटी का कानून बना, इसको रोक दिया गया कानून के द्वारा और फिर सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल द बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। एक हमारा पॉइंट था कि हमारी सोसाइटी में ये था कि हमारी घरों में, हमारे समाज में लड़की और लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं था। नेचुरली था कि हमारे परिवारों में, हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में बॉयज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और गर्ल्स को कम। लेकिन अब समय बदल रहा है और अब लड़के लड़कियों को बिल्कुल बराबर समझा गया है। अभी हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। इसका मतलब ये था, हमने ये जो पढ़ा था अभी इस पैराग्राफ में, कि हमारी फैमिली में टेंडेंसी थे कि हम लड़के को ज्यादा अधिकार देते थे या लड़कों की ज्यादा हर चीज, हर बारे में उसकी ज्यादा चिंता करते थे। इसका मतलब ये था कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को वैल्यू नहीं दी जाती थी, लड़कियों के बारे में नहीं सोचा जाता था और लड़कों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ये न्यायोचित नहीं था, ये न्याय के खिलाफ था, ये सही नहीं था। इन दिस कॉन्टेस्ट, इस बारे में, द गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू। अब ये जो हमारी सोसाइटी में बात थी कि लड़के लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं था,
लड़कियों को बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। इस संबंध में हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियों को बहुत सारे अधिकार मिले और उनको स्पेशल एक प्रोविजन बनाया, एक स्पेशल कानून बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब कानून बना स्पेशल तो लड़कियों को वो सारे अधिकार मिले जो उनको पहले नहीं मिले थे। जो अन्याय उनके साथ होता था उन पर उन्होंने जीत हासिल की, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला, सरकारें बहुत सारी फैसिलिटीज भी दे रही हैं, लड़कियों को अपने माँ बाप के जायदाद में पहले अधिकार नहीं था वो भी मिल गया है। तो ये सारे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। Thus it is possible that fee for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. अब ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो क्या क्या उठाए हैं, देखिए कि इसका असर ये है कि जो सरकार ने लड़कियों को बराबर के अधिकार देने की कोशिश की है उसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने लड़कियों के लिए कॉलेज तक की फीस माफ कर दी है, या तो बिल्कुल ही हटा दी है कॉलेज में लड़कियों की फीस, या उसको बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ही थोड़े से नाम मात्र फीस ली जाती है लड़कियों के लिए, कॉलेज तक की एजुकेशन लड़कियों के लिए फ्री कर दी गई है। ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है ताकि लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार मिल सके। अब हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट कृष्णा सागर डैम इज सिचुएटेड। कृष्णा सागर डैम बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर, कृष्णा सागर डैम इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कृष्णा सागर डैम कर्नाटका में स्थित है और तमिलनाडु में है मित्रो डैम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका प्रमुख विचार क्या होता है, कौन सा ऐसा विश्वास है जो वो लोगों को दिलवाती है जब एक डेमोक्रेटिक सरकार होती है? आंसर, कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी मीन्स बराबरी, और न्याय का विश्वास सरकार को दिलाना होता है, बराबरी और न्याय के प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका ये दृढ़ इरादा होता है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहकर सभी के साथ इक्वलिटी का व्यवहार करेंगे और जस्टिस मीन्स न्याय सबको दिलवाएंगे, मीन्स बराबरी और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध होती है एक डेमोक्रेटिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेंशन फोर वेज इन विच नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंशन फोर वेज, चार तरीके बताइए जिसमें नॉन वाइट्स जो अश्वेत लोग थे, वाइट्स में श्वेत लोग, नॉन वाइट्स अश्वेत लोग जो थे, जिनके जिन कारणों से उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जो श्वेत पीपल है मीन्स अंग्रेज लोग जो है वो उनके साथ भेदभाव करते थे, कौन कौन से चार तरीके थे वो? पॉइंट नंबर 1, हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेज वर सेपरेट फॉर वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस जिसमें कि मरीजों को ले जाया जाता है, ये सभी कुछ दोनों चीजें वाइट्स के लिए अलग थी और नॉन वाइट्स के लिए अलग थी, मिश्वेत लोगों के लिए अलग थी और अश्वेत लोगों के लिए अलग थी। पॉइंट 2, सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस फॉर वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। अलग बसें होती थी, अलग गाड़ियां होती थी श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए,
जो अंग्रेज थे वो अपने आप को सुपीरियर कहते थे, इसलिए वो अपनी अलग ट्रेन रखते थे, अलग बसेस रखते थे, और जो ब्लैक पीपल थे, जो नॉन वाइट्स थे, उनके लिए अलग बसेस थी, अलग ट्रेन्स थी। पॉइंट थ्री देखिए, बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। देखिए कितना भेदभाव था वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में, कि बस स्टॉप भी जो थे वो श्वेत और अश्वेत लोगों के अलग अलग थे। मींस बस स्टॉप भी अंग्रेजों ने अपने अलग बनाए हुए थे और ब्लैक लोगों के अलग थे। पॉइंट फोर, नॉन वाइट्स वर नॉट गिवन राइट टू वोट। जो अश्वेत लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। देखिए साउथ अफ्रीका में अंग्रेज लोग शासन करते थे और जो साउथ अफ्रीका में जो वहां के वाशिंदे थे, वहां के रहने वाले लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, और जो शासन कर रहे थे दूसरे देश के थे, उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फीस वुड हेल्प गर्ल्स अटेंड स्कूल। आप कैसे सोचते हैं कि स्कूल की फीस को कम करना लड़कियों के स्कूल जाने में ज्यादा हेल्प करेगा? मीन्स लड़कियों की फीस अगर कम होगी बिल्कुल, तो उस वजह से फिर लड़कियां ज्यादा स्कूल जाएंगी। आंसर, वी थिंक बाय लोअरिंग द स्कूल फी वुड हेल्प गर्ल्स अटेंड स्कूल। हम समझते हैं कि लड़कियों के लिए फीस कम करना जो है ये अच्छा रहेगा, और इसकी वजह से लड़कियां ज्यादा स्कूल जाएंगी। बिकॉज क्योंकि इवन पुअर पेरेंट्स, जो गरीब पेरेंट्स हैं, वुड थिंक, वो भी ये सोचेंगे दैट देयर गर्ल वुड गेट एजुकेशन, कि उनकी लड़की भी शिक्षा प्राप्त करेगी। जो पैसे की वजह से जो गरीब पेरेंट्स अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, वो ये सोचेंगे कि अगर बहुत थोड़ी फीस है तो थोड़ी फीस तो हम पे कर सकते हैं और फिर हम अपनी लड़की को एजुकेशन दिला सकते हैं। इसलिए फीस कम करना बहुत अच्छी बात है, और सरकार ने तो अब गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज लेवल तक फीस माफ कर दी है या बहुत ही कम कर दी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में रेगुलर, नियमित तौर पर, नियमित रूप से इलेक्शन क्यों होते हैं? आंसर, रेगुलर इलेक्शंस इज द बेसिक फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। एक जो सच्ची डेमोक्रेसी होती है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी आधारभूत उसका एक ये गुण है, तत्व है, कि समय पर, रेगुलर समय पर, रेगुलर नियमित अंतराल के बाद में इलेक्शंस होने चाहिए, हर 5 साल के बाद में। पॉइंट टू, इलेक्शंस गिव चांस टू वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। जब इलेक्शंस होते हैं तब बहुत सारे लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो राजनीतिक मामलों में भागीदारी के लिए वोटर्स को चांस मिलता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो आम लोगों को भी सरकारी मामलों में दखल देने का मौका मिलता है, इसलिए रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। क्वेश्चन 14 देखिए, हु फोट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। जो रंग भेद नीति थी, जो वहां पर सिस्टम चला रहा था, उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में कौन लड़ा? आंसर इज नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला है ये 27 सालों तक साउथ अफ्रीका की जेल में रहे थे, उसके बाद जो है देश आजाद हुआ तब ये राष्ट्रपति बने थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी हैं कि जो रंग भेद के खिलाफ जो युद्ध लड़ा लोगों ने, और फिर आखिर में उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। क्वेश्चन 15 देखिए, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक गणतंत्र देश कैसे बना, कब बना साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? आंसर, इन 1994
साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 1994 में साउथ अफ्रीका एक लोकतंत्रात्मक राज्य बना या देश बना। देखिए 1994 तक भी अंग्रेजों का शासन था साउथ अफ्रीका में। इतना मॉडर्न युग होने के बावजूद भी एक देश दूसरे देश पे राज्य कर रहा था और वहां के लोगों को उसने गुलाम बना के रखा हुआ था। कितने, ये तो हाल ही के वर्षों की बात है, सिर्फ 25-26 साल पहले की बात है कि साउथ अफ्रीका सिर्फ अभी 1994 में ही आजाद हुआ है और उसको अपना संविधान मिला, अपने देश की सरकार मिली और अंग्रेजों को वहां से जाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा और ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कीजिए, समझिए और सारी वीडियोस जरूर देखिए और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग्स लिखिए जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।